एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। एंड गाइस, जो आज बात करने वाले हैं, हम क्रम ब्राउज़र की सर्च हिस्ट्री डिलीट करने के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आपको एक बात तो पता ही होगा कि आप कोई भी गलत वीडियो देख लेते हैं, पॉर्न वीडियो देख लेते हैं या फिर और कुछ देख लेते हैं ऐसा, जिससे आपकी फैमिली को या किसी फ्रेंड को पता चल जाता है, जिससे आपकी इमेज पर फ़र्क पड़ता है। तो आप फटाफट उसको यार डिलीट कर दीजिए। एंड जैसे कि सर्च हिस्ट्री, तो फटाफट मैं आपको बताऊँ किस तरह से आपको डिलीट करना है। एंड सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं, 3 डॉट दिख रहा होगा आपको। एंड गाइस, 3 डॉट पर आप क्लिक कर देते हो, ये 3 डॉट दिख रहा है। एंड जस्ट 3 डॉट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सर्च हिस्ट्री का। एंड देख सकते हो, हिस्ट्री पे आने के बाद यहाँ पे डिलीट किस तरह से करेंगे आप, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे। एंड जस्ट क्लिक करने के बाद ऊपर आपको दिख रहा है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं। एंड जस्ट यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया होता है लास्ट होर का, देख सकते हैं ये दिख रहा है। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ मायने रखता है कि हमें क्या करना है। एंड गाइस, यहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं लास्ट घंटा, 24 घंटे, 7 डेज, 4 वीक्स एंड ऑल टाइम्स। एंड सिंपली आपको ये पता है कि आप ऑल टाइम्स का डिलीट करना चाहते हैं या 4 हफ्ते का डिलीट करना चाहते हैं या 7 डेज का डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं ऑल टाइम डाल देता हूँ। एंड ऑल टाइम डालने के बाद अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, नीचे देख सकते हो यहाँ पे क्लियर डाटा का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जस्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है, इजीली दिख रहा है आपको क्लियर, एंड क्लियर पे हम क्लिक कर देते हैं। एंड जैसे क्लिक करेंगे ये सारा का सारा क्लियर हो जाता है, डिलीट हो जाता है। एंड गाइस, देख सकते हैं ये फाइनली डिलीट हो भी चुकी है एंड काफ़ी इजीली ये डिलीट हो चुकी है। तो आप भी इसी तरह से इसको डिलीट करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।